नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोकनि के बहुत बहुत स्वागत अछि। वृन्दावन धाम में छी और एहिठाम जे छै से अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा, पंच श्री राधा वल्लवी अखाड़ा, बड़ा रासमंडल, गोविंद घाट, श्रीधाम वृन्दावन के महामंडलेश्वर श्री लाडली शरण जी महाराज जे छै से अखन हमरा सबक संग छथि। तऽ आउ गुरुदेव सँ जे छै से महाराज जी सँ बातचीत करी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला मिरर में। अच्छा, धन्यवाद। तो सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि ये श्री जी की धरती है, वृंदावन और मोक्ष का ये स्थान है, दो शब्द जो है इस स्थान के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो वृंदावन तो श्री जी का अति प्राचीन स्थल है। ये प्रिया पीतम का नित्य लीला स्थल ही है। जो प्रिया जो रासमंडल है, जो राधा रानी के जिस दिन जो रास का जो अनुकरण हुआ, रास का प्रकट इसे स्थल पे हुआ। जैसे स्वामी हरिदास जी, स्वामी हरिवंश महाप्रभु जी, ये व्यास जी त्रिमणि महाप्रभु जो पुरुष बिल्कुल त्रिमणि इसके इसे इसे हम लोग जैसे बैठे हैं, साक्षात इसे स्थल पे दर्शन हुआ। उन्हीं का देन है कि हम विश्व में आज ये रासलीला का जो दर्शन अब जहाँ की मिल रहा है। आज जितने भी जो बड़े बड़े स्वामी लोग होकर यहीं के मुकुट का पूजन करके अन्य जगह लीला करते हैं, ये श्री जी का निज स्थल ही है रासमंडल। यहाँ का और भी लता महापुरुष विराजमान हैं, लता पता है। यहाँ के अनेक अनेक महापुरुष तो नित्य इतनी लीला स्थल को मेन जो वृंदावन का प्राचीन जैसे रासमंडल है, जैसे सेवा कुंज है, निधि वन है, ये नित्य श्री जी का राधा रानी का ये लीला स्थल ही है। वृंदावन को यहाँ नित्य रासलीला यहाँ तो नित्य है, क्योंकि जो रासमंडल श्री जी की बनी हुई है, आज भी रात्रि को यहाँ लीला का दर्शन जो जिसके भक्तों की कृपा होती है उनको दर्शन, जैसे सेवा कुंज में दर्शन होते हैं, जैसे निधि वन में दर्शन होते हैं, ऐसे रासमंडल में भी दर्शन होते हैं। ये मेन लीला स्थल है वृंदावन का, अति प्राचीन स्थल है राधा रानी का। तो यहाँ भी बड़ी जो भी रासलीला का भागवत का बड़े बड़े आयोजन भी श्री जी की चाहते हैं कि हम किसी तरह से यहाँ रासमंडल श्री जी को कथा सुना लें, श्री जी को यहाँ लीला का दर्शन करा लें, इस हिसाब से लीला का यहाँ प्रारंभ में होता है। इसे माना जाता है कि चाहे श्री जी हों या बांके बिहारी हों, नित्य यहाँ आते हैं, लीला करते हैं, और इसका जीवंत प्रमाण जो है वो चाहे शयन कक्ष हो या फिर दातून हो, इत्यादि इत्यादि जो प्रमाण है वो प्रमाणिक है। लता पता वृक्ष जीव जंतु जो है सायंग होते ही जो है एकदम वातावरण शांत हो जाता है। क्या चमत्कार है आखिर यहाँ पर? चमत्कार यहाँ को राधा नाम की चमत्कार है। यहाँ की राधा नाम तो नित्य, क्योंकि जो वृंदावन जैसे हम मंदिर में जाते जो पुजारी पर्दा बंद करता है, तो जो पुजारी पर्दा को खोल देता है, जो ठाकुर के दर्शन होते हैं ना, इससे नित्य निरंतर इसके, क्योंकि अंदर से चक्षु से दिव्य लीला का निमृत निकुंज का दर्शन करें तो अद्भुत दर्शन है इनको। तो श्री जी के प्रिया पीतम को क्योंकि एक प्राण दो दे ये, क्योंकि जो राधावल्लभ लाल के प्राण दो तो नित्य इसे एक चना दो दाल, एक प्राण दो दल, उनका नित्य लीला स्थल ही है ना। हमारा तो ये तो भाव है कि जैसे राधा रानी के जैसे राधा वल्लभ दर्शन करेंगे, यहाँ तो हमारे राधा रानी के प्रधानता है। ठाकुर जी तो उनके पैरे के तरह खड़े हो जाते हैं, राधा रानी गद्दी में महारानी की तरह विराजमान है, उनको नित्य उनको लीला के वही दर्शन स्थल है। उन्हीं की जो रूप माधुर के उन्हीं की महिमा है कि वृंदावन को इतने, क्योंकि कहते हैं ना राधे श्री जी कहे तो ठाकुर जी अपने दौड़े चले आते हैं। तो यहाँ का यो लीला का बहुत ही अद्भुत महिमा है, श्री राधा रानी की कृपा है, अन्यथा इसमें कुछ कह नहीं सकते इस बात विषय विषय। गुरु जी, कहीं ना कहीं सनातन की बात करें या फिर जो साधु संत हैं, अभी सनातन पर भी और साधु संतों पर भी जो है लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सनातन की दृष्टि है दो, वास्तव में जो संत हैं उसके लिए तो कोई उत संत तो अपने ऊपर बिल्कुल भजन सेवा न तो राजनीति में आते हैं, न तो इस तरह राजनीति से उनको कोई लेना देना है, केवल ठाकुर जी के भजन से सेवा से वृंदावन के ब्रज के दर्शन, यहाँ के लता पता की सुरक्षित, यहाँ की महिमा उसी से तलन लीन हो जाते हैं। जो संत के जो भेषधार करके ऐसे लोग रहते हैं कि संत के नाम से और कोई भी लिखता है कि संत के, ये करना तो ये क्योंकि दुर्भाग्य माना जाता है किसी को संत को भेष पे करके समय, नहीं तो संत लोग तो अपने केवल अपने साधन में लगते हैं, संत राजनीति में उससे दूर रहते हैं।
अन्य तो लोग लोग संत को भेज धर के अन्य तो काम करते हैं, क्योंकि तो साधु है, पेपर में मीडिया वगैरह देते थे कि ये साधु ऐसा करते हैं, वो ये अन्यथा कि हम लोग उस बात को, हम तो जो वास्तव में संत होता उस मार्ग का दर्शन से दूर नहीं होता, अपने मार्ग ही में ही श्री नित्य ठाकुर जी के सेवा में रहते हैं, उनके भजन में अन्यथा इस तरह से राजनीति में से दूर रहते हैं। संतों का कर्तव्य केवल भजन जन कल्याण, ये संतों का कर्तव्य होता है। निर्मोही अखाड़ा में हम आप निर्मोही अखाड़ा से आप संबंधित हैं, और निर्मोही अखाड़ा जो है उसकी छटा जो है कुंभ के समय जो है बड़ा ही बहुत सुंदर जो है, बड़ा दिव्य जो है वो दृश्य होता है, तो उसके विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे कि ध्वजा लेके सबसे आगे चलना और फिर तरह तरह की जो है कर्तव्य, उसके विषय में कुछ। इसके विषय में ये देखिए, ये अखाड़े के जो स्थापना किया स्वामी बालानंद जी ने इस तरह से, क्योंकि पहले जो सन्यासियों वैष्णव में बड़ी कटिबद्धता थी, क्योंकि इस तरह पहले जो सन्यासी होते वैष्णव को आकर ये स्त्री कत्ल करके उठ करके अपने वो लोग अपने प्रसाद पाते, तो इस तरह से उसको रक्षा करने के लिए धर्म ध्वजा संकल्प लिए पे हमने, क्योंकि चारों संप्रदाय में रामानंदी संप्रदाय निम्बार्क है राधा वल्लभी गौड़ीय अन्य सभी संप्रदाय के साथ एकत्रित होकर उन्होंने हाथ में भाला लेके उन्होंने अपने वो लेके उनको धर्म की रक्षा के लिए कर दौड़े चले आए। उन्होंने संगठित होकर जगह जगह जाके अपने साधु को, पहले तो अपने मठ मंदिर का उसका सुरक्षा नहीं था, तो इसलिए उनको जैसे हनुमानगढ़ी में जैसे पहले भैरवगढ़ी था, उनको फिर भैरवगढ़ी को उनको धपन करके विजय होके नीचे ऊपर में हनुमान जी को विराजमान किया, इसलिए हनुमान का ध्वजा माना जाता है। हमारा कोई बड़ा कार्य होता है क्योंकि हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी का ध्वजा निशान, इसलिए आज भी हमारे क्योंकि कुंभ मेला में हमारे तीनों अनी है, जैसे 18 अखाड़े है, जैसे निर्मोही है, डिकम्बर है, निर्वाणी है, हमारी वैष्णव संप्रदाय में क्योंकि 18 अखाड़े है, अखाड़े में तीनों क्योंकि मुख्य निर्मोही अखाड़ा है, डिकम्बर अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, इसलिए समूह होकर ये क्योंकि कुंभ मेला और बाकी जो उत्सव होती है अपने व्यक्ति कोई संप्रदाय के होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, ये कुंभ मेला अनादिकाल से क्योंकि ये सभी का सार्वजनिक क्योंकि देश विदेश का तक विश्व का ये ऐसा मेला माना जाता है। कुंभ नाम है कुंभ, क्योंकि योग योग में कौन सा योग में इलाहाबाद में पड़ता है, कौन सा योग में उज्जैन में पड़ता है, कौन सा योग में हरिद्वार में पड़ता है, कौन सा योग में नासिक में पड़ता है, इसलिए क्योंकि इस तरह से हमारे जो साधु थे जिस तरह से नहीं होते, कोई जंगल में रहते साधना करते हैं भजन करते हैं त्याग करते हैं, वो लोग भी आके कुंभ मेला में एकत्रित होते हैं, ऐसा 12 साल में ये कुंभ मेला लगता है। ये हमारे कुंभ क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए अनादिकाल से ये कुंभ का मेला हमारा चला आ रहा है, क्योंकि हमारे देश विदेश से भी जो भी साधु संत रहते हैं भक्त लोग लोग आते हैं, उनकी वो स्नान का जैसे पर्व माना जाए मुख्य तीन स्नान साई पर्वों का, तो पहला दूसरा तीसरा उस समझ के अमृत बरसता है, जैसे हमको इसकी तो लंबी कथा है, क्योंकि जो समुद्र मंथन किया था वहाँ से जो अमृत का घड़ा लेकर जो विश्राम किया था इलाहाबाद में विश्राम किया, उज्जैन में विश्राम, नासिक में किया, जगह जगह अमृत जो गिरा है उसे योग में उसे काल में इस तरह से उसको स्नान का पर्व महत्व माना जाता है। आज वो भी क्योंकि अखाड़े गवर्नमेंट से जुड़े हुए मान्यता देती है, इसलिए इसकी व्यवस्था हम लोग संचालन करते हैं वहाँ की व्यवस्था के लिए, इसलिए अखाड़े मेन माने जाते हैं। अपने कुंभ की जो है वो कहाँ पे विश्राम हुआ क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि मिथिला के जो सिमरिया है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ वहीं पे वासुकी नाग वहीं पे है, मंदार पर्वत है ये वहीं पे है, समुद्र मंथन जो है वहीं पे हुआ, ऐसा जो है बहुत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर बहुत सारे ग्रंथों में इस बात की चर्चा की गई है कि अनादिकाल में जो है कुंभ की शुरुआत जो है मिथिला से हुई थी, चूँकि समुद्र मंथन वहाँ पे हुआ था, लेकिन सिर्फ कुंभ जो है वो कालांतर में चार जगह ही सिमट के रह गई, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या मिथिला से आपके जनपद में कुंभ का कोई कनेक्शन था, या फिर इन चार जगहों पे जो कुंभ लगाई गई इसके पीछे क्या रीजन है? कुंभ का तो है ना वहाँ के तो जो निकला हुआ उसको मानते हैं, क्योंकि कुंभ का तो जिस तरह से जो जहाँ से अमृत जो वर्षा है जो अमृत का घड़ा विश्राम किया है उसे स्थान को मान्यता मानी जा रही है ना, क्योंकि हमारे गंगा जमुना त्रिमणि सरस्वती इनके जो जमुना तट पर जहाँ विश्राम पर उसी तरह से हमारे कुंभ के जो पुराने ऋषि मुनि ने संतों ने इसी को महत्व दिए है ये गंगा। एक संत जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, संत समाज को अपेक्षा कितनी है उनसे?
तो अपेक्षा तो काफ़ी रखते हैं उनके लिए आज, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म सनातन के रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू का, क्योंकि आज धीरे धीरे मठ मंदिर क्योंकि अपने लुटते जा रहे हैं, फिरते जा रहे हैं, हिंदू का कोई बोलबाला नहीं है, अपने धर्म ग्रंथ को उसको सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसे होता तो कुछ आगे आने कुछ काल में हमारे तो हिंदू धर्म तो समाप्त हो जाके, क्योंकि हम मुगल शासन में ही योग नहीं था, आज सुरक्षित हो मठ मंदिर को, हमारे धर्म को रक्षा के, हमारे वेद पुराण वेद को इसको सुरक्षित करना गीता, इसलिए तो हमारे उम्मीद लगते हैं कि हमारे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी इसका काफ़ी हमारे मदद मिलेगा, इसका हमें बहुत योग रखते हैं। एक अंतिम सवाल, बार बार प्रश्न उठता है कि भगवा आतंकवाद, भगवा को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, क्या ये न्यायोचित है? नहीं, ये तो सनातन गलत है, क्योंकि किस तरह से चाहते हैं कि अब उनको दिख रहा था कि हिंदू हिंदू में कुछ जागृतता आ गई है, संगठन हो गया, उसको फोड़ने के लिए, दूसरे जो को गुमराह करने के लिए एक आतंक होगा, आतंक है इस तरह से करके किसी को गुमराह करना, देश को अपने हिंदू को गुमराह करके इसको उसको राजनीति करना था। अच्छा, वही पार्टी कह सकते अन्य को लोगों का ऐसा नहीं होगा संभव, क्योंकि ये तो अपने सनातन अपने धर्म का रक्षा, हमारे सनातन धर्म है, क्योंकि उसमें के लिए हमारे कोई आँच आना नहीं चाहिए, ये तो लोगों का अफवाह है एक तरह से। गुरु जी, मिथिला मिरर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ई छला है महामंडलेश्वर लाडली शरण जी महाराज, और निश्चित रूप से छे से बड़ा साफ गोई से अपन बात रखलन जे सनातन जे छे से पूर्व काल से अपन स्थान बनाकर रखने छे, चाहे एकरा पर कतबो छेटारोपण होए कतबो छिटाकसी होए, लेकिन सनातन के जे गरिमा छे से ओहिना प्रखरता के संग ओहिना मुखरता के संग जे छे से लोक तक अपन खुशबू अपन सुगंध और राधा रानी के जे छे से रज चरण कमल सँ जे किछु पुष्प जे छै से ओ लोक तक अर्पित होइत रहती। कैमरा सहयोगी राहुल कुमार झा और सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, वृंदावन धाम, मथुरा।